हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन केमिस्ट्री क्लास। आज हम अपन जो पढ़ने वाले हैं प्रीवियस टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे, और पीछे वाला जो अपना टॉपिक था वो था केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में आज अपन स्टडी करने वाले हैं टाइप ऑफ जो बॉन्ड्स था। ये टॉपिक अपना चल रहा था टाइप ऑफ बॉन्ड्स। इस टाइप ऑफ बॉन्ड्स में एक बॉन्ड अपन पढ़ चुके हैं, फर्स्ट वाला कौन सा था, आयनिक बॉन्ड, इसकी स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड वाला तो अपना पार्ट इसके अंदर है, जो बॉन्ड है वो है कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा है, कोवलेंट बॉन्ड। आज अपन बात करने वाले हैं कोवलेंट जो बॉन्ड होता है इसके बारे में, कोवलेंट बॉन्ड किस नेचर का होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, किस टाइप से इसका फॉर्मेशन होता है। और अगर नॉर्मली अपनी केमिस्ट्री में देखें तो स्टूडेंट्स, कोवलेंट बॉन्ड है वो फर्स्ट बॉन्ड है जिसका फॉर्मेशन एक एटम से दूसरे एटम को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मली अपन यहाँ पर देखें तो जो आयनिक जो बॉन्ड होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एक डोनेट करता है। कोवलेंट जो बॉन्ड होते हैं उसके अंदर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मली अपन देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम आपके पास में, एक दूसरा हाइड्रोजन एटम आपके पास में, इस हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन से फर्स्ट s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका भी फर्स्ट s1, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पर, कितना है, एक इलेक्ट्रॉन। मैं उसको स्टेप से लिख रहा हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने स्टेप से रिप्रेजेंट कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो रियल में अगर देखें दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मैं करा दूँ, दोनों क्या करा दूँ, मैं कॉम्बिनेशन करा दूँ, यानी इससे मोलिक्यूल बना दूँ, क्या बना दूँ, किसका फॉर्मेशन कर दें, मोलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दें। देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, दो इलेक्ट्रॉन। सर अपने को पता है एक बॉन्ड बनाने में, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर। और पेयर का मतलब होते हैं, एक पेयर का मतलब दो, उसका मतलब कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, इसका मतलब इन दोनों को ऐसे लिख दूं मैं, ये लाइन जो मैंने लगाई यहाँ पर, ये जो लाइन खींचा है मैंने, ये लीनियर जो लाइन है, इसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड कहलाता है। और ये जो बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस एटम से है और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम से यहाँ पर आ रहा है। दैट मीन्स इस वाले में अगर देखिए तो इस बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये इसका नेचर कहलाएगा। दोनों एटम से अगर इक्वल क्वांटिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है उतना इलेक्ट्रॉन अगर दूसरा एटम भी दे रहा है, तो वो वाली इक्वल पार्टनरशिप होगी। और जहाँ पर पार्टनरशिप इक्वल होती 50-50% जहाँ पर रेशियो अगर होता है, वहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा होगा, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स की नंबर्स पे डिपेंड करता है कोवलेंट बॉन्ड जो अपने पास में, कि 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं दो एटम के बीच में, 4 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भी दो एटम्स के बीच में यहाँ पर हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे लाइक अगर बात करें, ये एग्जांपल था यहाँ पर देखिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन है दो एटम के बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 by 1 दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ओके, कोवलेंट बॉन्ड में इक्वल रेशियो के अंदर यानी इक्वल नंबर्स में दोनों एटम से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दैट जस्ट लाइक अपन कहें कोई आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, जस्ट लाइक मैं कह रहा हूँ 50 रुपीज़ 1% लगाता है, 50 रुपीज़ 1% लगाता है, और दोनों जो बॉन्डिंग करेंगे तो 100 रुपये जो लगे उसमें दोनों का बराबर पार्टनरशिप है। लॉस और प्रॉफिट में दोनों क्या रहेगा, इक्वल पार्टनरशिप यहाँ पर रहेगा। दैट मीन्स अगर मैं कहूँ कि एक आइटम ए है, एक आइटम मेरे पास में बी है, इसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उतने ही बॉन्ड का फॉर्मेशन एटम कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। आपको याद है कार्बन जो होता है उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मैं पिछले वाली क्लास में आपको ये बता चुका हूँ कि कार्बन हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक अपन ने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन टॉपिक पढ़ा है, वो आपको क्लियर होना चाहिए।
जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ही वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ये आउटर जो सेल होती है स्टूडेंट इसको बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं इसको? वैलेंस सेल। ठीक है, कहलाएगी वैलेंस सेल होगी। और वैलेंस सेल में यहाँ पर देखे कितने इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। और वैलेंस सेल कौन सी होती है? जो आउटर सेल होती है उनको वैलेंस सेल बोला जाता है। और यहाँ पर वैलेंस सेल्स कौन सी हैं? 2s4 2p4। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। जितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही बॉन्ड उस एटम के द्वारा बनाए जाते हैं। और आप जानते हैं कार्बन जो होता है मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बनाता है? 4 बॉन्ड्स। कितने बनाते हैं? 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। क्या 5 और 6 बॉन्ड बनाता है? नहीं बनाता है। मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट मीन्स अगर अपन देखिए कार्बन जो आपके पास में है एक दूसरा कार्बन एटम है इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड ये मैंने जो लाइन खींची है स्टूडेंट्स ये बॉन्ड कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का है, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का है, तो एक बॉन्ड बन गया यहाँ पर। अगर कार्बन कार्बन की बिटवीन अगर बात करें एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, अगर इन दोनों के बीच में हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लाइनें खींच दी मैंने, 2 बॉन्ड्स बन गए यहाँ पर। कितना बॉन्ड है इसका? 2 बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड्स है यहाँ पर। कार्बन कार्बन के बिटवीन अगर मैं 3 लाइनें खींच देता हूँ तो ये कहलाएगा ट्रिपल बॉन्ड। क्या कहलाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब इस वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? सिंगल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? डबल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इसको बोला जाता है। एक बॉन्ड 2 3 बॉन्ड। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं और इस वाले में 6 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो ये अपन ने यहाँ पर बॉन्ड देखा है। कौन से वाले क्या बोलेंगे? अगर एक लाइन है दोनों के बीच में एक ही बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड कहलाएगा। डबल है क्या कहलाएगा? 2 लाइन है तो डबल बॉन्ड कहलाएगा। 3 लाइनें हैं अगर 2 एटम्स के बीच में कौन सा कहलाएगा? ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा, ट्रिपलेट बॉन्ड इसको अपने कहते हैं। ओके, कार्बन जो होता है कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है एक कार्बन एटम। अभी इसके ऊपर अपन बातें करेंगे कार्बन में कैसे बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, यहाँ पर जो बॉन्ड का टाइप हो कैसा रहेगा वो अपने को देखना है कि आयनिक बॉन्ड होगा या कोवलेंट बॉन्ड होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप इक्वल है स्टूडेंट्स तो बनने वाला जो बॉन्ड है वो कौन सा कहलाएगा? कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, और अपने एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कौन से वाले के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो डेफिनेशन क्या हो गई कोवलेंट बॉन्ड की? कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन हो गई द बॉन्ड विच इज फॉर्मेड ड्यू टू पार्टिसिपेट ऑफ इक्वल नंबर इलेक्ट्रॉन्स बाई एटम्स इज कॉल्स कोवलेंट बॉन्ड। ओके, अब देखिए यहाँ पर कोवलेंट जो बॉन्ड होता है उसकी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो नॉर्मली अपन देखिए कोवलेंट बॉन्ड और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर नॉर्मली अगर कोवलेंट बॉन्ड की बात करें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे आपके पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से है? बेंजीन। ठीक है, आपके पास में बेंजीन, 10th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने बेंजीन। ठीक है, बेंजीन ये कार्बन है, फॉर्मूला क्या होगा? C6H6। तो इस बारे में अगर देखें तो कार्बन है ये दूसरा कार्बन है, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, ये कौन सा? 6th कार्बन। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड पाया जा रहा है ये कौन सा बॉन्ड होगा? कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा होगा ये? कोवलेंट बॉन्ड होगा। इससे क्या जोड़ दूं मैं? हाइड्रोजन। इससे क्या जोड़ दें? कनेक्ट कर दें हाइड्रोजन को। ये हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिया है और यहाँ भी मैंने हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिया। अब देखिए इस वाले बॉन्ड में अगर देखें तो यह एक इलेक्ट्रॉन तो इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का है। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक आ रहा है, 1 by 1 एक एक एटम से आ रहा है, इसलिए कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। जितना इसका पार्टनरशिप उतना इसका पार्टनरशिप इक्वल है। यहाँ पर भी देखें तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल का कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? कोवलेंट बॉन्ड। सेम ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी कैसे सभी कैसे कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड में बात करें कौन सी है? सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। देखिए यहाँ पर कार्बन में अपन देखें तो एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4 बॉन्ड, 1 2 3 कितने बॉन्ड बन गए यहाँ पर? 1 2 3
तीन बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब ये कार्बन क्या कर सकता है, दो बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी कार्बन कार्बन के बीच में बन सकते हैं। ये उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। ओके, ये है तो ये कोवलेंट बॉन्ड को अपन पहचान सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें कोवलेंट बॉन्ड कहाँ पाए जाते हैं, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करें कोवलेंट बॉन्ड की, देखिए और एग्जाम्पल मेरे पास में ये राशि ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस है सी ओ टू, अगर मैं उसको लिखूं वैसे तो सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वाले के अंदर बॉन्ड है। ये फर्स्ट लाइन जो मैंने की थी, नेचर में जो सबसे पहले बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड है। कौन सा है, कोवलेंट बॉन्ड सबसे पहले बनता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल के आधार पे सिग्मा बॉन्ड भी कहा जाता है। ये बॉन्ड कौन सा है, कोवलेंट बॉन्ड, ये भी कौन सा है, कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब दो लाइनें हैं क्या, क्या कहलाएगा, डबल बॉन्ड, क्या कहलाएगा, डबल बॉन्ड बोलेंगे, क्या कहेंगे इसको, डबल बॉन्ड। यहाँ पर भी दो लाइनें खींची हुई हैं क्या दोनों के बीच में, कौन सा कहलाएगा, डबल बॉन्ड, क्या कहलाएगा, डबल बॉन्ड कहलाएगा। ओके, दोनों कैसे हैं, कोवलेंट नेचर के बॉन्ड है, इसलिए कंपाउंड भी कैसा है, CO2 कैसा होता है, कोवलेंट नेचर का होता है, कैसा होता है, कोवलेंट नेचर का होता है। ओके, तो आयनिक जो कंपाउंड है और जो कोवलेंट जो कंपाउंड होते हैं उनमें क्या डिफरेंस पाया जाता है, ये आप मुझे बताएंगे कि आयनिक जो बॉन्ड होते हैं और कोवलेंट जो बॉन्ड होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होना चाहिए, इसकी बातें भी अपने को पता होना चाहिए। ओके, तो फिलहाल अपने देखा कि कोवलेंट जो बॉन्ड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या पाई जाती है, किस टाइप से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये अपन इसके अंदर स्टूडेंट से स्टडी किया है। नेक्स्ट वाली में अपन बात करेंगे जो तीसरा अपना बॉन्ड होता है कौन सा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, वो इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं होता, फिर भी उसको अपन है उसको एक बार देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड होता क्या, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या, उसकी बातें करेंगे। तो अपने दो बॉन्ड क्लियर हो चुके हैं, पिछली वाली क्लास में स्टडी किया था अपने आयनिक बॉन्ड और आज अपने स्टूडेंट क्लियर किया है कौन सा कोवलेंट जो बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल पार्टनरशिप होती है और बॉन्ड बनते कैसे हैं वो प्रोसेस मैंने यहाँ पर आपको बताया। ओके स्टूडेंट्स, चलो ये अपने पास में, चलो एक एग्जांपल और देखते इसके साथ साथ में, आप मुझे बताइए ये वाले के अंदर कितना बॉन्ड बनेगा, ये आपको बताने कितने बॉन्ड यहाँ पर बनेंगे, कौन सा बॉन्ड रहेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मुझे बताओ इस मैग्नीशियम क्लोराइड में कौन से बॉन्ड हैं, आयनिक बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड है, ये आपको यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए, इसमें MgCl2 में कौन से बॉन्ड बनेंगे। ओके, ये आपको एक्सप्लेन इसके बारे में करके कमेंट करके मुझे आपको बताना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके थैंक यू।